करने का जो है ये हम दूसरा बना रहे हैं, तो ये दिखाते हैं शुरू से आपको कि कैसे बनाते हैं हम, ये क्या क्या लगाते हैं इसके अंदर, हमने ये लाइटर लगाया है, ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है, ये पाइप कैसी है, कैसे ब्लास्ट होता है, ये पूरी डिटेल्स में दिखाते हैं। तो पहले देखते हैं कि हम बनाते कैसे हैं। ये जो कैनन है जो हमने अभी ब्लास्ट करके दिखाई, और ये दोनों एक साथ ब्लास्ट करके हम दिखाते हैं कि ये कैसे आवाज़ करती है, ये सब कैसे यूज़ होती है, किस यूज़ में आपको लेना है। ये किसी को मारने के लिए नहीं है, सिर्फ आवाज़ करने के लिए है। और सभी जो प्राणी है, रोज है, जो सुअर है, जो भी बर्ड्स है, उन सबको डराने के लिए ही है, किसी को मारने के लिए ये बनाना नहीं है। तो हम दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए समझाते हैं सब, क्या क्या आपको पार्ट चाहिए इसके। 4 इंच का डायमीटर वाला एंड कैप है और ये एफटी है, इसको हम यहाँ लगाने वाले हैं। और इसमें होल बना के एक गैस लाइटर लगाने वाले हैं यहाँ। और इसके ऊपर 3 का रेडियस लगेगा और उसमें 3 इंच का पाइप लगेगा, 3 इंच डायमीटर वाला 6 इंच का पीस लिया है। और इसके ऊपर फिर ये रेडियस लगेगा 3.5 का, और इसके ऊपर ये 1.5 वाला पाइप लगाएंगे। ये सब सॉल्यूशन से पक्का करते हैं। चलो लो सॉल्यूशन। उसको ये चौड़ा करना है, सबको मिलाना है। तो देखो एक दफा आ जाता है लाइटर, लाइटर देख लो आता है। फिर एमसील से पक्का कर दे। एमसील से नहीं, इसके अंदर तो आटा ही है। नहीं, इसको लाइटर को। हाँ आ गया ना। चलो ये जो एंड कैप थी इसके बीच में होल लगा बना दिया है ताकि इस तरह से लाइटर रख सके, और ये भाग बाहर रहेगा जहाँ से आप लाइटर को पुश कर सकते हो, और ये अंदर जहाँ पे स्पार्क होगा। एमसील का तो आपको मालूम ही होगा, तो इसको मिलाना है एक साथ ताकि ये अच्छी पकड़ बना सके। ये दोनों को एक साथ ऐसे मिला दो। थोड़ा सा बाहर रखना पड़ेगा, बाहर रखना पकड़ने में। ये दोनों को मिलाने के बाद ऐसे पूरा ब्लैक कलर आ जाएगा, मिल चुका है। और ये थोड़ा गर्म होने लगेगा, और ये हाँ थोड़ा ये गर्म भी होने लगेगा। अभी हो रहा है गरम, बहुत माइनर गरम है। अभी हो गया, ये खाली लाइटर की पकड़ के लिए है।
ये हमने एंड कैप में लगाया है, एंड जो लास्ट में आता है आप कहीं पे भी लगा सकते हो। अगर एंड कैप में नहीं लगाना है, यहाँ पे साइड में से डालना है इतना अंदर, तो भी आप कर सकते हो। हमने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे भी इसका यूज होता है। इसका काम है सिर्फ स्पार्क करना अंदर। बहुत जल्दी जम जाता है, बहुत जल्दी टाइट हो जाता है। बस इतना ही सेटअप है इसको बनाने में। ये अभी बन ही गया है, ये जब सूख जाए तब इस यूज में आएगा। ये कार्बन, ये कार्बन के टुकड़े, ये एक एक डाला दोनों में, छोटे से टुकड़े ही डाले हैं हमने। जरा सा पानी इसको क्रॉस रख के डालना है पानी, ताकि वो अंदर जो लाइटर है वो उसको पानी टच ना हो जाए। चलिए यहाँ पे आपको देखते रहना है कि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, तब तुरंत उसको ब्लास्ट करना है। उसमें नहीं दिखेगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। मेरी वाली नहीं फूटी। 1 स्टार्ट। ये जो साउंड था अब सुन रहे हो कि सब जगह पे पिकॉक बोलने लगे, मोर की सभी जगह पे आवाज आ गई। ये किसी को मारने के लिए नहीं है, सिर्फ ब्लास्ट करने के लिए ये बनाया है। आप इसको लाइट वेट भी बना सकते हो। ये हमने हैवी थोड़ा बना दिया है। इसके अंदर हमने वो कार्बन डाले थे और थोड़ा सा पानी डाल के ही ये पोशन के अंदर गैस जमा होती है, तो इसके स्पार्क होने के कारण ये ब्लास्ट होता है। तो ये हमने सारा आपको मैकेनिज्म सिखाया। ये बात आप खास ध्यान रखें कि किसी चीज़ को मारने के लिए नहीं बनाया है, सिर्फ डराने के लिए है। अगर आपके खेत के अंदर नीलगाय आ रही है, जो रोज़ बोलते हैं उसे रोज़ ब्लू बुल इंग्लिश में बोलते हैं, अगर सुअर आ रहे हैं जंगली सुअर, इसको किसी भी प्रकार का इससे नुकसान नहीं करना है आपको, किसी को परेशान नहीं करना है, सिर्फ ये साउंड से ही डराना है। अगर आपके खेत में नीलगाय वगैरह आ गए तो उसके सामने ऐसे रख के नहीं ब्लास्ट करना है, इसे हवा में ही रख के इसको ब्लास्ट करें, ताकि अगर गलती से भी कोई भी चीज़ अंदर कंकर वगैरह रह गई हो तो वो निकल के जाए, तो उसको चुभे नहीं। ये ऊपर ही फायर करें आप, सबसे आसान तरीका यही है। हो सके उतना ध्यान रखें सेफ्टी का, बच्चों को वगैरह को ये खेलने के लिए ना दे, ये खिलौना नहीं है। इसको बनाने का प्रोसेस पूरा इजी है, ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपको टाइम लगेगा बनाने में, या महंगी चीज़ नहीं है, सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं सब। आप हमने कार्बन का यूज़ किया, आप उसकी जगह पे आप बॉडी स्प्रे अंदर डाल सकते हो। बॉडी स्प्रे डाल दो ना, ये खुला रहने दो, सॉल्यूशन से पैक मत करो। यहाँ से खोल दिया, बॉडी स्प्रे अंदर डालो, वापस पाइप लगा दो और आप उसी में से भी फायर कर सकते हो। ये अभी मैंने ब्लास्ट किया तो साउंड नहीं आया, लेकिन इसका साउंड बहुत तेज़ है, बहुत ज़ोर से ये साउंड करता है। खुली जगह में ही इसको फोड़ने की कोशिश करें, घर के अंदर फोड़ने की ऐसी कोशिश ना करें आप सभी लोग। किसी को चोट ना हो उसका ध्यान सबसे पहले आप रखें।